good morning students i hope all students will be fine today i will revise short question answers of lesson number 2 and 3 question number 1 which part of our body are known as uh, external body parts Ki, body bodke konsi parts koham external body parts both external body parts means the parts of our body that can be see and touch जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं अवर हैंड्स लेग्स आइज एंड माउथ आर नॉन एज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स इन सभी पार्ट्स को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं सो so इन्हें हम कौन से पार्ट्स बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर टू वाई इज़ द नेक इम्पॉर्टेंट हमारी नेक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है द नेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट जॉइंस द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी हमारी नेक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि जे हमारे हेड को किसके साथ ज्वाइंट करती है जो हमारी बाकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके साथ ज्वाइंट करती है क्वेश्चन नंबर थ्री वट डज़ द रिब रिपकेज प्रोटेक्ट रिब किस से प्रोटेक्ट करते हैं द रिब रिपकेज़ प्रोटेक्टेड हार्ट एंड लंग्स हार्ट एंड लंग्स हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो रिबकेस के द्वारा प्रोटेक्ट में सुरक्षित रखे जाते हैं नेक्स्ट इज वट आर मसल्स हमारी मसल्स क्या होते हैं मांसपेशियाँ क्या होती हैं मसल्स आर लेयर ऑफ फ्लैश मांस की परतें होती हैं अटैच टू द बोन्स जो कि हड्डियों के साथ अटैच होती हैं नाउ आई विल रिवाइज क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्लस नंबर थ्री हाउ मैनी सेंस ऑर्गन टू वी हैव नेम दैम कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनके नेम्स राइट करना वी हैव फाइव सेंस ऑर्गनस हमारे पास पाँच सेंस ऑर्गन्स होते हैं आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन वट कैन आवर आइज एक्सप्रेस एक्सप्रेस मीन्स टू शो द फीलिंग्स आवर आइज कैन एक्सप्रेस अवर इमोशंस हमारे इमोशंस को शो करती हैं लाइक हैप्पीनेस सैडनेस एंड एंग्री एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड क्या होते हैं द tiny हैज़ टाइनी बम्प्स ऑन which help हेल्प टू टेस्ट फूड आर known एज टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग के ऊपर छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जिनके हेल्प से हमें टेस्ट फूड के टेस्ट के बारे में पता चलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स नेक्स्ट इज वट इज़ गुड टच गुड टच कौन सी होती है द टच दैट मेक अस फील लव्ड लव्ड की जगह पे आप नाइस भी राइट कर सकते हैं इट मीन्स वो टच जो हमें नाइस अच्छा फील करवाती है एंड कॉम्फर्टेबल कॉम्फर्टेबल भी फील करवाए इज कॉल्ड गुड टच थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे